आगामी दीप पर्व को देखते हुए पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को जाजरदेवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपर उप निरीक्षक कबीर सिंह ने गलात गांव निवासी मिलाप सिंह को सड़क पर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मुख्यालय में उप निरीक्षक जितेंद्र सोराडी ने हिमांशु बिष्ट निवासी GIC और राकेश मेहता निवासी सिनेमा लाइन को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। दोनों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 72 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जून माह से बंद पड़ी चिलमधार क्वीरी जिमिया सड़क अब तक नहीं खुली है। ग्रामीण सड़क बंद होने से खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने सोमवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि गांव में आलू और राजमा की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन सड़क बंद होने से ग्रामीणों के समक्ष बाजार तक पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। सड़क नहीं खुली तो ग्रामीणों को खासा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का निर्माण सर्वे के अनुसार नहीं किया गया है, इसकी जांच कराई जानी भी बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह क्वीरियाल की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव के सीनियर वर्ग में गणितीय मॉडल पर जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली बाल वैज्ञानिक ईशा रावल, क्विज टीम में शामिल आयुष नेगी, हिमानी बोरा, आदित्य कार्की, रविंद्र नेगी का सोमवार को विद्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। विद्यार्थियों ने रसायन विज्ञान के प्रवक्ता राजेंद्र पांडे के दिशा निर्देशन में प्रतियोगिता में भाग लिया था। सफल विद्यार्थी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य BC पाठक ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। माँ उल्का स्पोर्ट्स एरीना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। संस्कृत अकादमी हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता में हीरा देवी भट्ट, विवेकानंद विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समूह नृत्य संस्कृत नाटक प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पहला स्थान, वाद विवाद और श्लोकोच्चारण में दूसरा स्थान प्राप्त किया। संस्कृत शिक्षक दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देशन में विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य नवीन चंद्र ने विद्यार्थियों को जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पिछाड़ गांव में चल रही रामलीला के 10वें दिन लक्ष्मण मीणा की युद्ध का मंचन किया गया। इससे पूर्व विभीषण द्वारा रावण को समझाने अंगद को दूत बनाकर भेजना, अंगद रावण संवाद आदि प्रसंग मंचन किए गए। रावण के पात्र के रूप में एलयम भट्ट, अंगद के पात्र में निलंबर भट्ट, मेघनाथ के पात्र पारस कल्पासी, विभीषण के पात्र जुगल पंत ने शानदार अभिनय किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गणेश भंडारी, विशिष्ट अतिथि पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष विनोद भट्ट, राजेंद्र भट्ट, मदन मोहन भट्ट आदि मौजूद रहे। मंचन को संपन्न कराने में रामलीला कमेटी के प्रकाश भट्ट, योगेश भट्ट, पंकज भट्ट, संजय भट्ट, मनीष भट्ट आदि सहयोग दे रहे हैं। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।